Question number 15. A structure of a mixed oxide in cubic closed packed CCP mein, the cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions. Matlab isme hamare oxide ions hain. 1/4 of the tetrahedral voids occupied by divalent metal A and the octahedral voids are occupied by monovalent metal B. यहाँ पे तीन एटम्स हमें मिले हैं, एक ऑक्साइड मिला है, एक डायवेलेंट मिला है जो कि टेट्रा 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है जो कि ए है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो मोनोवेलेंट मेटल जा रहा है वो बी है. तो हमें उसका फॉर्मूला निकालना है. तो बहुत इजी मेथड यहाँ पे समझाया गया है, देखते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन सी सी पी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऑक्साइड, यही होंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने के लिए 2 × n. तो n है हमारे 4, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगी हमारी 8. तो अब जो हमारा डायवेलेंट मेटल ए था वो हमारा कहाँ पे लगेगा जाके, 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है. तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ये हो गया, तो ए 2 हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब जितनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मेटल बी होंगे, और उतने ही जितने नंबर्स हमें दिए गए हैं जितने की नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सीसी पे वो होंगे 4. तो ओ की है -2, ओ 4 है हमारा, ए टू की है 2 और बी की है 4. तो 4:2:4 यानी कि 2:1:2 यानी कि ए 2 ए और बी 2. तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं. ऑक्साइड है और सीसीपी में है, तो सीसीपी में 4 होती है जेड की वैल्यू, ए है +2 जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे निकलेंगे 4 × 2 और 1/4 में लगा हुआ है तो 1/4 विच इज इक्वल टू 2. बायवेलेंट एटम बायवेलेंट मेटल बी जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इक्वल जो कि होगी 4, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं. तो लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, तो हमारे सामने ये रेशियो आता है, तो एक फॉर्मूला बनेगा ए बी टू ओ. जब इसको हम सिंपलाइज कर लेंगे तो ए बी टू ओ टू, ए बी टू ओ टू जो कि 4 था और बिल्कुल करेक्ट है.